नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं BNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। झारखंड के धनबाद में सोमवार को संतरेहर फैक्ट्री में हादसा पेश आया। करंट की चपेट में आने से दो मजदूर झुलस गए। घायलों का इलाज धनबाद के अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के अनुसार हरल उर्वरक परियोजना के विद्युत सब स्टेशन नंबर 1 के LT पैनल में फ्लैश ओवर होने के कारण दोनों कर्मचारी झुलस गए। इसके बाद आशीष कुमार मंडल और माथवन को तत्काल हरल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज के बाद दोनों को बेहतर इलाज के लिए जालान अस्पताल धनबाद रेफर कर दिया। हरल के ग्रुप जनरल मैनेजर कामेश्वर झा ने बताया कि चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों जख्मी कर्मचारियों की हालत को खतरे से बाहर बताया है। वहीं मजदूर यूनियन प्रतिनिधि रामू मंडल ने कहा कि हरल में निर्माण कार्य में घोर लापरवाही बरती जा रही है, सुरक्षा मानकों का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। घायल मजदूर के परिजन दिनेश चंद्र मंडल ने कहा कि उन्हें अचानक बताया गया कि उसका भाई काम के दौरान घायल हो गया, लेकिन वह कैसे घायल हुए, कैसे झुलसा, यह नहीं बताया जा रहा है। अस्पताल में भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। बाद में मासस और झामुमो के समर्थकों ने घटना के विरोध में हरल के मेन गेट पर धरना दिया। इस दौरान जख्मियों के उचित इलाज, मुआवजा और दुर्घटना के लिए जिम्मेवार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए BNN न्यूज़।